नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी सोनिया गांधी के पीएम मोदी पर करारे वार की, चुनाव आयोग की विपक्ष पर की गई भद्दी टिप्पणी की, देखेंगे ईडी पर आपके सवालों को, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के दावों को जानेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज किन उम्मीदवारों के नामों का किया है ऐलान, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस के बाद अब सीपीआईएम का अकाउंट भी किया गया फ्रीज। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने किया दावा, कहा राजनीति से प्रेरित फैसला। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का दावा, लोकसभा चुनाव में 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी, आरएसएस के सर्वे का दिया हवाला। उद्धव गुट के प्रत्याशी को ईडी से गिरफ्तारी का डर, अमोल कीर्तिकर बोले नॉनवेज छोड़ा, जेल के लिए कपड़े खरीदे, खिचड़ी घोटाले में 8 अप्रैल को होंगे पेश। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दिया बयान, कहा लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं, फिर भी विपक्षी गठबंधन को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक सोनिया गांधी भी अब मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने राजस्थान के जयपुर में पहली रैली की और इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। तो क्या कहा सोनिया गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं और अब उन्होंने इसी राज्य से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। जयपुर में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र लॉन्च करते हुए सोनिया ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को बीजेपी में शामिल होने की धमकी दी जा रही है। आज हमारे देश का लोकतंत्र संकट में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है और हमारे संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है। ये तानाशाही है और हम सभी इसका जवाब देंगे। पिछले 10 वर्षों से देश एक ऐसी सरकार के हाथों में है जिसने बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक संकट और असमानता को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं जो लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। पीएम मोदी खुद को महान मानते हैं लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा को कुचल रहे हैं। चारों तरफ अन्याय का अंधकार बढ़ा है। हमें अन्याय के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और न्याय की रोशनी खोजेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर पाना मुश्किल है। रसोई की बढ़ती कीमत हमारी माताओं बहनों के सामने मुश्किल खड़ी कर रही है। ये देश कुछ लोगों की जागीर नहीं, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती नेता तथा कार्यकर्ता इसका डटकर मुकाबला करेंगे। पहले ही चुनावी रैली में सोनिया गांधी ने अपने तेवर से साफ कर दिया कि इस बार बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की जबरदस्त तैयारी है। कांग्रेस के तेवर तीखे हैं तो आज आम आदमी पार्टी के भी तीखे तेवर देखने को मिले, लेकिन आपके निशाने पर बीजेपी के साथ चुनाव आयोग भी आ गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आपको रैली की अनुमति नहीं दी। आपका आवेदन खारिज करते हुए जिस भाषा का इस्तेमाल निर्वाचन आयोग ने किया उससे पूरे विपक्ष में गुस्सा दिख रहा है। हरियाणा के कैथल में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आम आदमी पार्टी आपकी तरफ से दो रैलियों की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन आयोग की तरफ से जो जवाब आया वो बेहद हैरान करने वाला है। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर एआरओ की तरफ से आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया, साथ ही बेहद आपत्तिजनक शब्द भी लिखे गए। इतना ही नहीं, रिमार्क के ऑप्शन में रिजेक्शन लेटर की बजाय एडल्ट पॉर्न स्टार मियां खलीफा का फोटो अपलोड कर दिया, जिसके बाद आपने चुनाव आयोग के आचरण पर सवाल उठाते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। मामले की जानकारी देते हुए आपके हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने ट्वीट किया, कैथल में ईसी प्रकरण पर मेरा बयान, हरियाणा में चुनाव आयोग भाजपा का पंगू बन गया है। 7 अप्रैल को दो कार्यक्रम की अनुमति आप द्वारा मांगी गई, पहली को रिजेक्ट करके लिखा आया कोनी देन दे, दूसरी अनुमति को भी रिजेक्ट करके माँ की भद्दी गाली लिखी गई। क्या इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता? चुनाव आयोग ऐसी भाषा का उपयोग करेगा, इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये देश की जनता इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं इस पूरे मामले में एआरओ और एसडीएम ब्रह्म प्रकाश ने सफाई देते हुए कहा कि पोर्टल का काम देख रहे 4 कंप्यूटर ऑपरेटर व 1 जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जाँच करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा,
कैथल के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। निर्वाचन आयोग सफाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये सब कुछ विपक्षी दलों के साथ ही क्यों होता है? वैसे आपने आज चुनाव आयोग पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि उनके निशाने पर ईडी भी आ गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ईडी से सवाल किया कि जेपी नड्डा को कब गिरफ्तार कर रहे हैं, तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने ईडी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप समेत पूरा विपक्ष गठबंधन ईडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। ईडी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। आतिशी ने मीडिया के सामने 5 ऐसे मुद्दे उठाए जिनमें बीजेपी नेता आरोपों में संलिप्त नजर आ रहे हैं, लेकिन ईडी ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। आतिशी ने कहा कि ईडी से आपके 5 सवाल, जवाब दे ईडी जो रोज प्रेस रिलीज देते हैं। पहला, 16 दिन से पुख्ता सबूत दुनिया के सामने है कि साउथ लोबी से 55 करोड़ बीजेपी को गया है। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच की? दूसरा, पिछले 16 दिन में बीजेपी को कितने समन, कितने रेड हुए, कितने अरेस्ट हुए? तीसरा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, आप कन्वीनर होने के नाते बीजेपी नेशनल कन्वीनर जेपी नड्डा को शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ लेने के लिए कब गिरफ्तार करेंगे? चौथा, क्या ईडी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि मंगुत्ता रेड्डी और राघव रेड्डी का क्या कोई पैसा, कोई मनी ट्रेल टीडीपी तक गया है? पांचवा, बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से खुद शराब कारोबारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ईडी चुनाव खर्चे को इन्वेस्टिगेट करेगी? आप नेता के इन सवालों ने केंद्रीय एजेंसी ईडी को बुरी तरह से घेर लिया है। अब इस पर ईडी क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपके तेवर बेहद तीखे हो गए हैं। ईडी के साथ बीजेपी को भी वो घेरने में जुटी हुई है। वैसे बीजेपी के खिलाफ इस समय पूरा विपक्ष एकजुट है। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने बीजेपी पर धार्मिक मुद्दों पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया है। तो क्या कुछ कहा है स्टालिन ने, देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों पर चर्चा करते हुए इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। स्टालिन ने इस लोकसभा चुनाव को स्वतंत्रता का दूसरा संघर्ष बताया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा, बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाए। स्टालिन ने कहा कि बीजेपी वाले मोदी को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन जब तमिलनाडु जैसे राज्य के प्रति उदासीनता, चीन के साथ सीमा पर टकराव को देखते हैं तो उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयान कर जाती है, वह कोई विश्व गुरु नहीं है। स्टालिन ने कहा कि आने वाले चुनावों में राहुल गांधी जैसा डायनेमिक लीडर मोदी की उस स्थापित छवि को और आरएसएस के नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। बीजेपी एक अलग खेल खेलती है, वे धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, नफरत पैदा करते हैं और आरएसएस की विचारधारा में राजनीति का मिश्रण करते हैं। आज उनके सामने मोदी ही सबसे आगे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की वर्चस्व राजनीति के खिलाफ हम मजबूती से खड़े हैं, हम लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसे बचाने के लिए हमारे पास एक मजबूत टीम है जिसमें अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे नेता शामिल हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु में 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने बड़ी जीत हासिल की थी। इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके को लेकर काफी उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है। सीट बंटवारे के बाद अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से आज 6 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो किस किस सीट पर कांग्रेस ने घोषित किए हैं उम्मीदवार, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए बस 2 हफ्ते का समय ही बचा है। ऐसे में सभी पार्टी चुनाव प्रचार और उम्मीदवारों के नामों के ऐलान करने में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने गोवा, मध्य प्रदेश और दादरा नगर हवेली की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें एमपी की 3 और गोवा की 2 और दादरा नगर हवेली की 1 सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, जिसमें एमपी की ग्वालियर सीट से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, मोरेना से पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है, जबकि नॉर्थ गोवा सीट से रमाकांत खलप और साउथ गोवा की सीट से कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को
उम्मीदवार बनाया गया है। दादरा एंड नगर हवेली सीट से अजीत रामजी भाई महाला चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि कांग्रेस एमपी की 29 सीटों में से अब तक 28 सीट से उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ी गई है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की थी। इस लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे। ये तीनों कैंडिडेट गुजरात के लोकसभा क्षेत्रों से उतारे गए थे। पार्टी ने सुरेंद्रनगर से ऋत्विक भाई मकवाना, जूनागढ़ से हीरा भाई जोटवा और वडोदरा से जसपाल सिंह पड़ियार को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। चुनाव में नेताओं की निष्ठा बदलती हुई दिखाई दे रही है, तो सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि निष्ठा राजनीतिक दलों के प्रति नहीं, देश के संविधान के प्रति होनी चाहिए। तो आखिर क्यों संविधान की याद दिलाई सीजेआई ने, देखिए ये रिपोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को पुणे पहुंचे थे। वे यहां हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीजेआई चंद्रचूड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि न्यायपालिका के कंधे चौड़े हैं, वे प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी सह सकती है, चाहे वो गुलदस्ते हों, ईंट पत्थर हों, पत्रकारिता की टिप्पणी, राजनीतिक टिप्पणी हो या फिर सोशल मीडिया से मिलने वाली टिप्पणी क्यों ना हो। सीजेआई ने आगे कहा कि बार एसोसिएशन के सदस्यों और पदाधिकारियों को अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते वक्त खुद को आम लोगों से अलग करना चाहिए। मैं पेंडिंग मामलों और फैसलों पर वकीलों की टिप्पणी करने की आदत से काफी परेशान हूं। आप अदालत के सबसे पहले और सबसे अहम अधिकारी हैं। हमारी कानूनी चर्चा की सच्चाई और गरिमा आपके साथ में है। भारत का संविधान एक समावेशी संविधान है। बार काउंसिल एक संस्था के रूप में न्यायिक स्वतंत्रता, संवैधानिक मूल्य और अदालत की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। भारत जैसे जीवंत और तर्कशील लोकतंत्र में अधिकतर व्यक्तियों की राजनीतिक विचारधारा या झुकाव होता है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वकील कोई अपवाद नहीं है। हालांकि वकीलों के लिए सबसे ज्यादा वफादारी किसी पार्टी के हितों के लिए नहीं बल्कि अदालत और संविधान के लिए होनी चाहिए। सीजेआई ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि एससी के संवैधानिक पीठ के फैसले कड़ी कार्रवाई, संपूर्ण कानूनी विश्लेषण और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन का नतीजा होते हैं, लेकिन एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद ये सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है। सीजेआई ने अपने संबोधन में वकीलों को नसीहत दी है, तो वहीं लद्दाख में क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी सरकार को नसीहत दे रहे हैं, साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है। दरअसल वांगचुक के पश्मीना मार्च के खिलाफ प्रशासन ने लेह में धारा 140 लागू करने के साथ साथ इंटरनेट बैन का आदेश भी जारी कर दिया है। आखिर क्यों वांगचुक के पश्मीना मार्च से डरी हुई है सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से लेकर अपनी अन्य मांगों को लेकर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लंबे वक्त से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। सोनम वांगचुक के 21 दिन के प्रदर्शन के बाद महिलाओं ने ये कमान संभाली है। इसी कड़ी में वांगचुक ने 7 अप्रैल को LAC से जुड़े इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया है। सरकार के खिलाफ इस मार्च में लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसे लेकर प्रशासन भी चिंतित नजर आ रहा है। इसे देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में धारा 144 लागू कर दी है, साथ ही इंटरनेट बैन का भी आदेश जारी किया है। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सोनम वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो लद्दाख प्रशासन समेत मोदी सरकार पर भी आरोप लगाते नजर आ रही है। वांगचुक का आरोप है कि शांतिपूर्ण मार्च की योजना के बावजूद प्रशासन आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को डराने और बॉन्ड साइन करने के लिए दबाव डाल रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए प्रशासन को दिल्ली से निर्देश मिल रहे हैं। 31 दिनों से अनशन चल रहा है और कोई घटना नहीं हुई है, फिर भी लोगों को पुलिस स्टेशनों में ले जाया जा रहा है और शांति भंग होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। वांगचुक ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे डर है कि इससे वास्तव में शांति भंग हो सकती है। आपको बता दें सोनम वांगचुक का दावा है कि चीन ने भारत की करीब 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अपने पश्मीनी मार्च के जरिए पश्मीनी चरवाहे मार्च में शामिल होकर बताएंगे कि पहले चारागाह कहाँ थी और आज कहाँ है। सोनम वांगचुक और लद्दाख की महिलाएं लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब मामले में तनाव बढ़ता जा रहा है, जनता का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
1980 में बीजेपी का जन्म पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ। ये पार्टी अपने चुनाव चिन्ह कमल के लिए जानी जाती रही है, लेकिन 2014 से इसे एक खास मुखौटे के लिए जाना जाता है। ये मुखौटा किसी और के ऊपर भी लग जाता है तो उसके पीछे की हकीकत को पूरी तरह से छिपा लेता है, लेकिन हर चीज़ की एक वैलिडिटी होती है, इसलिए क्योंकि मोहब्बत की दुकान अब 24 घंटे खुली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए डीबी लाइफ। नमस्कार।